कुछ नया खाने का मन हो तो फटाफट बनाइए, नया नाश्ता झटपट बनके तैयार हो जाता है, तो चलिए बनाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शबीना, आपका शबीना जी के किचन में वेलकम करती हूँ। नाश्ते के लिए मैंने 3 आलू उबाल के ले लिए हैं, उसे हम मैश कर लेंगे। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। आलू जितना अच्छा मैश होगा नाश्ता भी उतना ही सॉफ्ट बनेगा। एक कटोरी मैदा लिया है, साथ में स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे। अब इसका अच्छा सा डो तैयार करेंगे, एकदम चिकना। 2 छोटे चम्मच तेल भी डालेंगे, बाद में इससे आटा बहुत नरम हो जाएगा। अब आटे को हम कई भाग में कट करके उसके पेड़े तैयार करेंगे, कुछ इस तरह से। अब एक खाली बोतल से हर पेड़े में डिजाइन डालेंगे। देखिए ये कितने सुंदर दिख रहे हैं, हम सारे ऐसे ही तैयार कर लेंगे। एक बर्तन में पानी गर्म करेंगे, उसमें हम सारे नाश्ते को डाल देंगे एक एक करके। 2 से 3 मिनट तक ढक के पका लेंगे मीडियम फ्लेम में। देखिए ये नाश्ता फूल के रसमलाई की तरह दिख रहा है। जब सारा नाश्ता पानी में ऊपर तैरने लगे, गैस बंद करके छन्नी या प्लास्टिक की दलिया में छान लेंगे और ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे। अब एक कढ़ाई या पैन में 2 चम्मच जितना तेल डालेंगे, उसमें जीरा डाल देंगे। आप जीरा पीस के डालें, उससे नाश्ते में खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ऊपर से 1 कप पानी डाल देंगे। 2 छोटे चम्मच खटाई पाउडर डालेंगे, 2 छोटे चम्मच मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, 2 छोटे चम्मच चीनी डाल देंगे। उसे चलाते हुए पकाएं ताकि चीनी खटाई अच्छे से पक जाए। स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे। अब चटनी को अच्छे से पकने दें धीरी आंच में। चटनी जब अच्छी तरह से पक जाए तो उसमें अपना नाश्ता डाल के सारी चटनी को नाश्ते में मिला देंगे ताकि चटनी नाश्ते में अच्छे से चिपक जाए। अब इसे सर्व कर लेंगे। तो लीजिए, आलू से बनके तैयार हो गया है चटपटा नाश्ता, जो खाने में बहुत टेस्टी है। आप इसे सुबह शाम कभी भी खा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक खाओ पियो, खुश रहो।